नमस्कार, नारद मुनि ज्ञानी घुमक्कड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत झरने केवटी का भ्रमण करेंगे, जो कि प्रयागराज से लगभग 100 किलोमीटर और रीवा मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये देश का 24वां सबसे ऊंचा झरना है। यहाँ हर साल बरसात के दिनों में रीवा और इसके आसपास के जिलों से पर्यटक इसकी खूबसूरती देखने खींचे चले आते हैं। यहाँ सबसे अधिक पर्यटक प्रयागराज जिले से आते हैं। हमारा सफर भी प्रयागराज से शुरू होता है। मैं प्रयागराज में रहता हूँ और मुझे ये झरना इतना पसंद है कि मैं यहाँ लगभग हर साल चला आता हूँ। मैं यहाँ पहली बार 2013 में आया था। उस समय आने का रास्ता बहुत ही खराब था। हमारी गाड़ी और हमारे पैर कीचड़ से बिल्कुल सन से गए थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार ने बहुत ही अच्छी सड़कें बनवा दी हैं, जिससे यहाँ की यात्रा सुलभ हो गई है। प्रयागराज से केवटी के सफर में केवटी झरने को देखने का उत्साह आपका और भी बढ़ जाता है जब आप सुहागी पहाड़ पर पहुंचते हैं। सुहागी पहाड़ से नीचे का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। पहले सुहागी पहाड़ की सड़क संकरी होने के कारण सुहागी पहाड़ को पार करने में बहुत समय लगता था, लेकिन अब सरकार द्वारा सड़कों के चौड़ीकरण के बाद इसे पार करने में मुश्किल से 10-15 मिनट ही लगते हैं। केवटी झरने के किनारे ही केवटी किला है, जिसका निर्माण रीवा के राजा ने 15वीं सदी में करवाया था। इस किले का ऐतिहासिक महत्व है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से विद्रोह कर ठाकुर रणमत सिंह ने अपने साथी सिपाहियों के साथ केवटी के इस किले में अपना पड़ाव डाला, जहां अंग्रेजी फौज उनका पीछा करते हुए पहुंच गई। इसी केवटी किले में अंग्रेजी फौज और ठाकुर रणमत सिंह जी के टुकड़ी के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें ठाकुर रणमत सिंह ने अंग्रेज कमांडेंट कर्नल के साथ बहुत से अंग्रेजी फौज के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब मैं यहाँ किले में 2013 में पहली बार आया था, तो ये किला बहुत ही जर्जर अवस्था में था। 2013 के बाद के वर्षों में सरकार ने इस किले की मरम्मत करवाई, लेकिन आज भी जब आप इसे देखेंगे तो सरकार द्वारा करवाई गई मरम्मत पर्याप्त नहीं लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा इस किले को 1857 की क्रांति से संबंधित वस्तुओं और ठाकुर रणमत सिंह जी के जीवन से जोड़कर एक संग्रहालय के रूप में बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता है। इसके बाद हम केवटी झरना पहुंचे। ये झरना महाना नदी पर स्थित है, जो कि टोंस की सहायक नदी है। इस झरने की ऊंचाई लगभग 130 मीटर है। यहाँ आने का सही समय जुलाई से जनवरी के बीच है। जनवरी फरवरी के बाद ये झरना कभी भी सूख जाता है, और गर्मी के दिनों में तो यहाँ बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये बिल्कुल सूखा हुआ मिलेगा। यहाँ लोग परिवार एवं दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आते हैं, लेकिन आप यहाँ सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो छुट्टी के दिनों में यहाँ बिल्कुल ना आए, क्योंकि छुट्टी वाले दिन यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। झरने के आसपास रेस्टोरेंट या दुकानें नहीं हैं, तो आप अपने खाने पीने का सामान साथ लेकर आए। हालांकि छुट्टी वाले दिन यहाँ फेरी वाले भुट्टा और कुछ खाने पीने का सामान बेचते मिल जाते हैं। यदि आप यहाँ नहाना चाहते हैं तो जहाँ झरना गिरता है उसके आसपास न नहाएं, क्योंकि वहां कई दुर्घटनाएं हो चुकी। यहां नहाने आए लड़के पानी के तेज बहाव में बहकर झरने के नीचे गिर गए। इन्हीं कारणों से छुट्टी वाले दिन पुलिस प्रशासन के लोग वहां सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। यदि आप नहाना चाहते हैं तो जहां झरना गिरता है उससे थोड़ा दूर जाकर के नहाएं। यहां झरने के आसपास आपको बहुत से बंदर दिखाई देंगे, इनसे विशेष सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने हाथ में खाने पीने का सामान लेकर न चलें।
नहीं तो ये बंदर उसे छीनने के लिए आप पर हमला कर सकते हैं। खाने पीने का सामान आप अपने बैग के अंदर रखें और जब खाएं तो आसपास देख लें कि बंदर ना हो। यदि आप भी मेरी तरह झरने के नीचे जाना चाहते हैं तो झरने के नीचे जाने का रास्ता झरने के दूसरी ओर से है। नीचे जाने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है, तो आप नीचे तभी जाएं जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। नीचे घनी झाड़ियां हैं और वहां सांप और अन्य विषैले जानवर होने का खतरा बराबर बना रहता है। मैंने यहाँ कई बार सांप की केचुली देखी है जो कि सांप के होने का प्रमाण है, तो नीचे जाते समय सावधानी बरतें। और नीचे जाने का रास्ता भी बहुत ही संकरा है, में आपको नीचे गिरने का पहाड़ से खतरा होता है, तो बिल्कुल पूरी सावधानी से ही आप नीचे उतरें। चलो उतरो नीचे। चलो। आओ। इससे भी नीचे खतरनाक है। अरे आओ यार, कुछ खतरनाक नहीं। हम तो पहले यही तरह निवास करते थे। तुम भूल गए? लाओ ले लाओ। गिरे उरे के नहीं ना ये? पैर दर्द कर रहा है कि नहीं? हाँ, ये रहे हमारे साथीगण जो उतरने में। आराम से। इंश्योरेंस करवाया ना भाई साहब अपना? बाप ने तीन तीन करवाया। मेरे से ज्यादा सुरक्षित तो कोई है ही नहीं है। हेलमेट देखना है। मेरे को लगता है तुम लोग कभी पहाड़ नहीं चढ़े हो। चलो 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 जल्दी से चलो। जिसको उतरने में दिक्कत हो रही वो कूद भी सकता है। तुम लोग का एक घाटा पता है क्या है? तुम लोगों का चप्पल और जूता जो इससे पकड़ नहीं बना पा रहा। मेरा चमड़े का चप्पल है, लेदर वाला, पकड़ बना ले रहा। हम लोग आ गए हैं बिल्कुल नज़दीक में, 100 मीटर। मैं कहा ना, तुम लोग का चप्पल साथ नहीं दे रहा। झरने की खूबसूरती आप देख रहे हैं और मेरा पसीना भी देख लीजिए, इतनी ही मेहनत लगेगी अगर आप नीचे आना चाहते हैं। नीचे जाने और वापस ऊपर आने में बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है, तो अपने साथ कुछ पानी की बोतलें जरूर रखें, क्योंकि प्यास और थकान बहुत ज्यादा लगता है। हमारा पानी खत्म हो गया था तो मैंने नीचे मछली पकड़ रहे कुछ लोगों से पानी मांगा जो कि वहाँ के लोकल लोग थे, तो उन्होंने कहा कि वो प्यास लगने पर नदी का ही पानी पीते हैं।
मैंने भी अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी का पानी पीने का प्रयास किया, लेकिन पानी का स्वाद इतना खराब था और मुझे वो काफी गंदा भी लगा, जिसके कारण मैंने वो पानी नहीं पिया। इस खूबसूरत झरने के नीचे तैरने का अपना अलग ही आनंद है, तो भला मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ देता। आपको एक वैधानिक चेतावनी देता चलूं कि आप नीचे तभी तैरें जब आप अच्छे तैराक हों, क्योंकि नीचे किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। मुझे अच्छे से तैरना आता है, इसलिए मैं नीचे बने झील के पानी में उतरा और तैरने का भरपूर आनंद लिया। इतना कुछ करने के बाद अब हमारी थकान अपने चरम पर थी और आज के दिन के साथ साथ हमारी ऊर्जा भी खत्म होने को थी, तो थके हारे दिन भर की खूबसूरत यादों के साथ हम अपने घर को चल दिए। तो इसी के साथ हमारा आज का सफर यहीं खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारा सफर आगे भी जारी है। नमस्कार।